सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती का असर, शिवपुरी में यातायात पुलिस ने चेक की बसों की फिटनेस और परमिट। गुना में हुए दर्दनाक बस हादसे में 12 लोगों की जिंदा जलकर मरने और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती के बाद प्रशासन नींद से जाग गया है। अब प्रदेश में एक बार फिर से बसों की जांच का नियमित अभियान चलाया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती का असर शिवपुरी में भी दिखाई देना शुरू हो गया है। यहां गुरुवार की देर शाम सड़क पर उतरी यातायात पुलिस ने यातायात प्रभारी रणवीर यादव के नेतृत्व में बसों की फिटनेस और परमिट चेक करना शुरू कर दिया है। यहां आपको बता दें कि प्रदेश में पूर्व में हुए बस हादसों के बाद भी इस तरह के अभियान चलाए गए हैं, लेकिन जल्द ही इनकी इतिश्री हो जाती है। बस मालिकों पर भी कठोर कार्रवाई न होने का नतीजा है, जो इस तरह के वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं जिनका फिटनेस और बीमा मालिकों द्वारा नहीं कराया जाता है, जिसका खामियाजा ऐसी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ता है। टेस्ट भी करना है अपने, वो सारा अपनी के बाहर तो नहीं चला रहे ये लोग, दिखा रहे क्या? कितना टाइम लगता है फिटनेस परमिट दिखाने में? सब कुछ